तो सबसे पहले तो मैं अपने रामपुर संग्रामगढ़ विकासखंड के लिए विरोध कमीपत के लिए हो गया है, उसके लिए मैं वहाँ की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ, बीडीसी सदस्य का। दूसरी बात, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस मुद्दे पे आई थी सत्ता में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, उस मुद्दे पर पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। आप कोई भी चुनाव उठा के देखिए, चुनाव तो छोड़ दीजिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख लीजिए, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से असफल हो चुकी है। जहाँ तक जिला पंचायत के चुनाव हो, मेंबर्स के हो, या फिर बीडीसी के प्रमुख के लिए चुनाव, सरकार सत्ता पक्ष में जो लोग रहते हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हिंसा पैदा करते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर इस तरह की हिंसा, व्यापक हिंसा, जैसा कि सूचना आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। अगर वो इस हिंसा को रोक नहीं पाई तो उसका सीधा सा सीधी वजह से लिखनी सी है कि इस सरकार ने जो आतंक फैलाते हैं लोग, जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, उनके तार सीधे सीधे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होते हैं। अपराधियों को सीधा संरक्षण प्राप्त है इस सरकार में, इसी यही वजह है कि गुंडागर्दी इस सरकार में रुक नहीं पा रही है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन लगातार पेट्रोल और डीजल की कमी इजाफा हो रहा है, इस पर आगे क्या होगा स्टैंड कांग्रेस का? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में बीती यूपीए की सरकार थी, तो हमने पूरा प्रयास किया था कि किसी तरह से खासकर पेट्रोल डीजल के दाम पर और अन्य वस्तुओं के दाम को, महंगाई को नियंत्रण में रखें। आज अगर आप उसका अनुमान लगाइए कि क्या यूपीए की सरकार में और क्या मोदी राज में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, व्यापक रूप से बढ़ी है, दुगनी तिगनी बढ़ी हुई है, तो उसके लिए सरकार की जो आर्थिक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, उसमें दूरदर्शिता नहीं थी। जब आखिर वजह क्या है, जब क्रूड ऑयल की कीमत वर्ल्ड के बाज़ार में कम है, तो क्या वजह है कि देश में वही पेट्रोल और डीजल बढ़े हुए दामों में बिक रहे हैं? और शायद ही कोई ऐसा हफ्ता बीतता हो जब दो बार तीन बार पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ते हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर अगर किसी चीज़ से पड़ता है तो किसानों पे पड़ता है, और किसान की सबसे बड़ी समस्या है। उसके साथ साथ जो भी ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो कमोडिटी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो सीधा असर पड़ता है महंगाई पर। तो पूरी तरह से सरकार असफल हो चुकी है। इस देश के लोगों से जो उन्होंने वायदा किया था, उसको पूरी तरह से फेल हुआ।